वंदे गुरुपद्वंद्व भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे न सहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदय गोपीजन सामुक्त बनम मनोहर वाचाकुवश कृपासीधुभ्यवच पति पा बुने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लयतगिरी ये पातम हंग बंदे तुलसीदेव वै पिया वै केशवश কৃষ্ণভক্তিপদে দেবী সব তৈ নম নম নারায়ণ নমস্কৃত নর চম দেী সরস্বতিং ব্যাং তথি সংকীর্ণ কথোপদেশ গৌরী পাচ্শনে চুক্ত গুভক্তিযুক্ত भक्तिप्रमोदाक्ष जगो वरुन् धेयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तेथास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्हं वनुतपाल्भवाद्दिपौतं वन्दे महापुरुष ते चरणं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय বিসুজিত গপবধুষ্দর্শি পূর্ণাগর সসাগর সারমূরি সারাধিকা মি কৃফা করি কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিতনন্দ গাধর শিবসদি গৌরভক্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ श्रियाद्वैतगदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे आजानुलम्बितभुजौ कनकाबुदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विषाम्बरो विजवरु युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाम्बुतारु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमामि गङ्गे तवपाधुपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नि भावानुरूपेन् सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरान्सिपुरपति भजवीश्यनाथम् गीषजुशदीर्जश् यस हृदय संबिंगमहम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे

জবদাত স্বলোকে জেবাময়ী শেকিত সৌহৃদার্থ জনেশু দেহা বতিকাতিমস নীতি যুগতা জবদ থা সলোক গড়িয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশীলভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঢাকা জগদ্গুরুজীন বত ये दो दिन का जिंदगी में हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका एक फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए गौरी गोष्ठी पोती श्री शिलाभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जगत गुरु जी ने बताए हमारा ये दो दिन का जिंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमारा मकसद क्या है इसका फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए ये शरीर रहते हुए दो दिन का जिंदगी ये शरीर रहते हुए हमको विचार करना ज़रूरी है ये शरीर छूटने का बाद मैं कहाँ जाएंगे तो कह रहे हैं ये शरीर रहते 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 समय हमको ये विचार करना ज़रूरी है जो शरीर छोड़ने का बाद हम कहाँ जाएंगे हमारा क्या होगा जब तक ये सब विचार का सेटलमेंट ना हो तब तक भजन करने का कोई सवाल ही नहीं है तब तक भजन करने का कोई सवाल ही नहीं है ये सब नाटक सब ड्रामा चल कोई रास्ता नहीं है भयम प्रमत्त शो बनेशो पिशात यत शास्ते सहसौट पत्निया जितेन्द्रिय आत्मरतिर्बुधस्व संसार बंधन किंग नु करती प्रियोव्रतों को ब्रह्मा जी का पोता प्रियोव्रतों को अर्थात मनु पुत्रों को ब्रह्मा जी मना रहा है और कह रहे हैं समझाने के लिए क्योंकि वो भजन में चले गए जिसको समझा बुझा के ले आए चढ़ जगत का किसी विषय पर उसका कोई ताल्लुकात नहीं है बिल्कुल अटेंशन नहीं है उसको वापस ले आने के लिए गए और ले आए और बताए देखो बेटा भयम प्रमत्षो बनी पिशाद अब तो ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ इसको डिलेमा मा कहा जाए इस तरफ जाओ तो विपत इस पर आओ तो विपद कहाँ जाओगे दोनों तरफ मुसीबत अगर ब्रह्मा जी कह रहे हैं भयम भयम प्रमत्व शुभ पिशात हाँ ठीक है जो प्रमत्त व्यक्ति हैं जिनके जिंदगी में सर रिपू, जिनके जिंदगी में सर रिपू का दमन नहीं हो पाए वो जंगल में जाके भी क्या फायदा है क्यों वहाँ तो दुनियादारी का चीज मन का अंदर में रहेगा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर संसार में रहके अगर तमाम इंद्रियोंग्राम संयत हो गया काबू में आ गया और सर रूपू का ऊपर जय प्राप्त तो हुआ भक्ति के रास्ते में चल पड़े गृहे था को बोने था को सौदाहरी बोले दाको जय दिन गृहते भजन देखी गृहते गोलोको भाई तरह तरह का विचार है अब सोसाइटी में भी हंगामा मच रहा है कहाँ जाए बेचारा ये लोग एक टाइप का फर्स्टेशन में भुग रहा है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किसी किसी का अंदर में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और ज़्यादातर आदमी का अंदर इन्फीनिटी कंप्लेक्स है बहुत सारे आदमी के अंदर ये बीमारी में भोग रहा है उस दिन चर्चा कर रहा था जो चौसठ किस्म का जो भक्ति अंग है इनमें से नवविधा भक्ति का चर्चा जरूर हम करेंगे ये नवविधा भक्ति का साथ हमारा नवद्वीप धाम का नौ दीप पद्म फूल का माफिक एक पद्म फूल का माफिक कैसे नौ दीप विराजमान है और एक एक दीप, एक एक भक्ति जाजन का क्षेत्र है ये सब विचार हम करेंगे विचार करके ठाकुर जी का कि पास है नौविदा भक्ति चौसठी भक्ति अंगों में प्रधान है उनमें से छांटकर कर महाप्रभु पांच अंगों विशेष बताए पांच अंगों विशेष बताए ठीक है इतना भी हो नहीं पाते संभव नहीं है और चैतन्य चौथा मित्र में लिखा हुआ है एकांगो शादे किंबा शादे बहुअंगो निष्ठा हुई तो उपजय प्रेम तरंगो आई बात समझ में चैतन्य चौथाविद में कह रहे हैं महाप्रभु कह रहे हैं एक अंगो भजन का एक अंगों का साधन करे या तो बहु अंगों का फर्क नहीं पड़ता लेकिन सही ढंग से जाजन होना चाहिए ड्रामाबाजी नहीं चलेगी उस दिन हम विचार बता रहा था साधन क्रिया जो चल रहा है किसी का जिंदगी में ये साधन क्रिया का कोई इफेक्ट जीवात्मा के ऊपर नहीं पड़ता बिकॉज इट इज कन्फाइंड विन विद इन योर मिटेरियल सेंस ऑर्गन जरो मन बुद्धि सेंस ऑर्गन का ऊपर लिमिटेड है आत्मा का ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है एक किस्म का प्रैक्टिस वो भी सही ढंग से नहीं और साधन भक्ति जो है साधन भक्ति जो है गुरु वैष्णव का अनुगत्व में ही संभव है भजन क्रिया में अनुगत्व का प्रश्न ज्यादा कुछ नहीं है इसीलिए कुछ होता नहीं और साधन भक्ति अगर सही ढंग से आगे बढ़े सही ढंग से हो पाए तमाम इंद्रियोग्राम के द्वारा तो ये साधन भक्ति का इफेक्ट जरूर आत्मा के ऊपर है इसी का विषय में श्री चैतन्य महापू ने बताए चेतोदर्पण मार्जन ऑर्डिनरी भजनक क्रिया का द्वारा चेतोदर्पण मार्जन संभव नहीं है ध्यान दे इस बात पर ऑर्डिनरी जो दिखावा जो भज क्रिया इसके इसके द्वारा चेतोदर्पण मार्जन संभव नहीं चेतोदर्पण मार्जन के लिए मकसद होनी चाहिए परम विजेत श्री कृष्ण संकीर्तन इस पर पूरा भरोसा होनी चाहिए इसका बाद गुरु वैष्णव का अनुगत्य में जितना हो पाए चलो ठीक है कोई दिक्कत है नहीं इनमें से जानते हो आप ये नवविदा भक्ति का जो विषय है शवनम कीर्तनम विस्म पाद सेवनम अर्चनम बंदनम सक्षम आत्मनिवेद सक्षम दास आत्मनिवेदन हैं, हैं पुंसापिता भक्तिश्चे नवलक्षण क्रिएत भगवती अध्या तन मन ने अधतम उत्तम प्रहलाद महाराज जी ने बताया नौविदा भक्ति का बारे में हिरण्य को इसको तो दिमाग में कुछ है नहीं तमगुनी रजगुनी व्यक्ति का वक़्त क्या रहेगा कुछ होगा अरे जो होगा देखा जाएगा जिंदगी छोड़ने का बाद अब तो मौज ले ले ऐसा जिंदगी का हालत है और अपराध का मात्रा इतना बढ़ते जा रहा है इतना बढ़ते जा रहा है कि इसका कंट्रोलिंग नहीं है और होगा भी नहीं होगा भी नहीं हमारे ख्याल से जो हालत पैदा हो रहा है कोई किसी का नहीं है सब अपना अपना सब अपना अपना लेके कोई किसी का लिए नहीं है कोई रिलेशनशिप है ही नहीं गुरु वैष्णव का साथ भगवान का कुछ नहीं है सब कुछ नहीं है ऐसा हालत पैदा हो गया कहने का मतलब है ये जो नौविदा भक्ति हमने बताया अभी एक एक करके हम एक एक दीप को हम जोड़ेंगे दो दिन में क्योंकि गौर पूर्णिमा का दिन गौरंग महापुका का जो शिक्षा है इसका विषय में विशेष चर्चा होनी चाहिए आप विशेष करके आपने हमको आदेश किया है भाप तरंगों का ऊपर बेस करके बोलना एक्चुअली इट इज जिस्ट भाव तरंग मतलब शिला भक्तिविनोद ठाकुर के हृदय में भाव का समुंदर है शिला सच्चिदानंद विनोद ठाकुर के हृदय में भाव का समुंदर है और समुंदर में लहर चलते रहते हैं लहर वेब एक वेब जो है एक एक क्षण एक एक वेब को कैमरा में जैसे कैद किया जाए विशेष विशेष घटना को ऐसे भक्ति ठाकुर ने इसको मैग्नेट लाइक एक विशेष विशेष भाव को अपना बढ़ावा दिया प्रोजेक्ट करने का कोशिश की हाँ ये बहुत अच्छा है इसका लिए तो कोई बहुत सुंदर जैसे भक्तिविन ठाकुर जी लिखा है श्री गौर स्वरण मंगल स्त्र मतलब गौरंग महाप्रभु का तमाम लीला को इतना जीष्ठ बताए भक्तिवेद ठाकुर जी ने एक एक दो दो लाइन में तमाम लीला का आपका शरण आएगा ही आएगा इतना सुंदर कैची रिप्रेजेंटेशन इम्पॉसिबल ये भक्तिव ठाकुर है भगवान का निजीजन इसीलिए संभव है। हैरान करने की बात है एक एक दो दो लाइन में तमाम गौरंगमापो का कई लीला सब आ जाए एक गौर स्मरण मंगल स्तोत्रम, गौरंग मापो का तमाम लीला को रोजाना हृदय में लाके थोड़ा इसको विचार करना और ऐसा करके भक्ति ठाकुर का भाव का तरंग है ये धाम का क्या महिमा है और विशेष बात ये है शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर ने ये भाव तरंग में है ये भाव तरंग में तैरते तैरते अंतिम में अपना स्वरूप का प्रकाश कर दिया इसीलिए नवदीप भाव तरंग जो मैच्योर डिबोटी है बहुत ऊंचा इनके लिए बहुत फ़ायदादायक है एक एक दो दो लाइन में भक्ति ठाकुर जी ने क्या कहना कहना चाहा ये बहुत सुंदर रूप से उपस्थित है लेकिन फॉर द बिगिनर ये नवद्वीप परिक्रमा खंडो जो भक्ति ठाकुर जी ने लिखा है ये विशेष तो मैं आप लोगों का आदेश सामने रखते हुए दोनों तरफ ध्यान दे के विचार करने का फैसला लिया अब बात ये आता है पहले ये बात हमको बोलना जरूरी है ये प्रहलाद महाराज जी ने बताया हिरण्य कश्यू को ये नौविदा भक्ति का जो अंग है ये अगर कोई अपना जिंदगी में प्रैक्टिस करे अभ्यास करे ये सबसे बड़ा शिक्षा है सबसे बड़ा शिक्षा है इसका ऊपर कुछ नहीं है क्योंकि तमाम शिक्षा का मूल क्या है बक्सु टाकू जी ने बताया अगर कृष्ण नहीं मिला है तो मेरा शिक्षा क्या काम का है अगर कृष्ण नहीं मिला तो मेरा शिक्षा का क्या दाम है क्या होगा इस शिक्षा देखे मैं क्या करूं भक्ति ठाकुर जी ने इसका विचार बताया चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरिता में चैतन्य भागवत में तमाम शिक्षा का मूल है किश्नो चरण कृष्ण चरण में भक्ति उत्पादन होना तमाम शिक्षा का तमाम शिक्षा का यह विशेष है चरण में भक्ति, नहीं तो ये बेकार एडुकेशन क्या आपको डेमोन बना देगा आपका नौकरी चाकरी पैसा प्रतिष्ठा आचार्योशिप सब आपको डेमोन बना देगा ओसुर बना देगा एक ओसुर बना देगा कोई फायदा नहीं विशेष यह बात है ये जो श्रवण कीर्तन और स्मरण ध्यान दे ये जो नौविदा भक्ति का पहले ही श्रवण कीर्तन स्मरण ये जो श्रवण का बारे में पहले बताया क्यों बताया क्या विशेष है ये श्रवण का बारे में ये श्रवण का बारे में बताया इसका विशेष ये है शौत तो पंथा में श्रवण के बिना शौत तो पंथा में अगर मैं उपस्थित हूँ और अगर मैं श्रवण नहीं कर पाता तो मेरे लिए कीर्तन करना संभव नहीं आई बात समझ में अगर मेरा जिंदगी में श्रवण हुआ ही नहीं मे बी आई हैव प्रोफेसेंसी हम लेक्चर दे सके ऐसा भी तो हो सकता है प्रहलाद महाराज जी ने इसलिए श्रवण भक्ति श्रवर्णांग भक्ति को पहले स्थान दिया क्यों बगल आप महाराज श्रवण अगर नहीं है सो तो पंथा में मैं उपस्थित नहीं हूं तो कैसे कितम करें? हमारा जिंदगी में अब श्रोवण नहीं हो पाए मैंने सुना ही नहीं अगर गुरुवर्गो से मैं सुना ही नहीं कोई प्रवचन आदि इसका आचरण आदि कुछ देखा ही नहीं सुवन सुना ही नहीं हरि था जो जिंदगी में जितना ऊंचा संग किया ध्यान दे इस बात को एक एक बात बार बार बोलने का समय नहीं है जिंदगी में उसको उसका इंप्रेशन होनी चाहिए जिंदगी में इसका इम्प्रेशन होनी चाहिए बार बार बोलने का टाइम नहीं मिलेगी श्रोवर्णांग भक्ति का ये जो विशेष बताया क्योंकि कि श्रोवण नहीं होने से कीर्तन होना संभव नहीं है शौ तो पंथा में उपस्थित अगर होए मैंने एक बात बताया इसको सिद्धांत तो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट जो जितना ऊंचा संग किया वो उतना ही बड़ा साधु है जो जिंदगी में जितना ऊंचा संग किया वो उतना बड़ा साधु है जो जिंदगी में ऊंचा संग नहीं किया गौड़िया मठ में रहते हुए अपना टाइम को बर्बाद किया पचास साल साठ साल फड़क नहीं पड़ता कुछ लाभ नहीं है। जो जितना ऊंचा संग किया है वो उतना बड़ा साधु है ये पता चलता है बामन गुस्सी महाराज वो तो है नित्यपर्व ठीक है जो जितना भारती महाराज तित्त तो महाराज जो जितना ऊंचा संघ किया है कहने का मतलब है कहने का मतलब है जिसका जिंदगी में असत्संग करने का कोई रुचि नहीं है जिन्होंने जिंदगी में थुक्कार दे दिया असत्संग में जिन्होंने जिंदगी में थुक्कार दे दिया असत्संग को वही साधु है वही साधु है बाकी कोई साधु हो नहीं सकता संभव नहीं जितना नाटकबाजी करे अब ये श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों जो है रिलेटेड है तीनों जो है रिलेटेड है ये श्रवण श्रवण के बिना श्रवण के बिना कीर्तन नहीं हो सकता जो जितना हरिकथा गुरुवर्गो से सुना है जो जितना आचरण में प्रतिष्ठित हो पाए जो जितना विचार बनाया हृदय में कि मेरा जिंदगी दो दिन का है ये कथा मेरा सहारा है देन दे कैन नॉट पुट एनी टाइम लिमिट फॉर हरी कथा इट्ज़ वन कैन अ मेटेरियल कंसेप्ट फिर भी चलो कोई बात नहीं कुछ तो होगा शोभन का साथ कीर्तन रिलेटेड है और कीर्तन का साथ अशोभन का साथ स्मरण रिलेटेड है ये तीन विशेष भक्ति अंगों इतना इंपॉर्टेंट है एनी वन ऑफ देन कैन गिव यू वेरी क्विक सक्सेस ये तीनों भजन अंगों सारे भजन अंग अच्छा है खराब नहीं है लेकिन ये शोभन कीर्तन स्मरण ये तीनों जो भजन अंग है सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट क्या बताए एक भक्ति अंग का अगर जाजन करे वेरी शॉर्टली यू कैन कम आउट सक्सेसफुल कोई शक नहीं है अब ये जो शोभन कीर्तन स्मरण तीन रिलेटेड है शोभन के बिना कीर्तन संभव नहीं है और शोवन कीर्तन नहीं होने से स्मरण भी संभव नहीं है क्योंकि भक्त में क्योंकि प्रोपात जी ने बता दिया क्योंकि प्रोपा मैं पोपा जी का सिद्धांत तो बोलने के लिए बैठा हूँ अपना मनमानी नहीं है पोपा जी ने वैष्णव के वहाँ लिख दिया वैष्णव के एक जो वार्ड्स है इसमें लिख दिया भक्त प्रोपा जी ने पोपा जी ने लिख दिया पापा जी ने लिखा है कीर्तन प्रभावे स्मरण हुई बे से भजन निर्जन संभव आई बात समझ में क्या बताए क्या बता ध्यान दे इस बात को कीर्तन प्रभावे स्मरण हुईवे से काले भजन निर्जन संभव अब ये बात आता है कीर्तन प्रभावे स्मरण हुईवे कीर्तन कहाँ से होगा अगर श्रवण नहीं हुआ अगर कीर्तन कीर्तन कैसे हो सकता श्रवण नहीं हुआ तो अगर प्रोपा जी ने बताए जे कीर्तन और प्रभावे स्मरण हुई हुए स्पॉन्टेनियसली हरिकथा कीर्तन चलते रहे हृदय में एक हरि हरिकथा चलने का साथ साथ वन काइंड ऑफ फुल अटेंशन एब्सॉर्बिंग अटेंशन कैन डेवलप एक खोया हुआ भाव रहेगा हृदय में एक खोया हुआ भाव पैदा होगा किस राज्य में अप्राकृत राज्य में कीर्तन स्मरण हुई सेकाले भजन निर्जन संभव निर्जन भजन उतना आसान नहीं है अगर कीर्तन वोभावे स्मरण हुई बताया तो कीर्तन कैसे हो सकता है का सवन अगर अगर श्रवण नहीं है तो सवन कीर्तन और स्मरण तीन रिलेटेड पहले आज ये धाम परिक्रमा का पहला दिन है ये आत्मनिवेदन क्षेत्रों भक्ति ठाकुर जी ने बताया बहुत सारी चीज़ उतना बोलने का भी समय नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत बो तो बोलना ही पड़ेगा भक्ति ठाकुर जी का सम्मान लेकर मैं बता रहा हूँ थोड़ा पहले उसका बाद धीरे धीरे व्याख्या करते रहें जो पिछले कई दिने से मैं चर्चा कर चुका पिछले कई दिने से भक्ति मंत्र गुरु का जिस्ट बता रहे सर्वधाम शिरोमणि संधिनी विलास ये सब तो कह चुका पिछले पांच दिन में सारे कह चुका विशेष कुछ है मैं कहूँ क्योंकि अदरवाइज परिक्रमा जो दो दिन में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा नवदीप धाम सोलोक्रोस परिक्रमा है वृंदावन धाम वृंदावन धाम चौरासी कोष परिक्रमा है भक्ति कह रहे 16 सोलाक्रोस जो सोलाक्रोस जो नवद्वीप धाम है और चौरासी कोष जो वृंदावन धाम हैं ये एक ही है वृंदावन नवदी इसका भी प्रमाण मैंने दिया है इसका साथ साथ ये भी कह चुका कि धाम विभू वस्तु है और विभु विभू वस्तु होते हुए भी ये मेटेरियल जगत में हमको कीपा करने के लिए भगवान का संधनी शक्ति का प्रकाश है ये धाम बलदेव तत्व है इस सब बारे में चर्चा कर चुके हैं और पद्म फूल का मापिक कमलम गोकुलाक्षम महत्पवम, तत्कर्णिकारम, तथ्याम अनंत संभव ये सब चर्चा कर चुका अत नवद्वीप धाम है बीच में अंतरदीप को रखकर आठ पद्म फूल का पीटल्स सेना बीच में कोर पॉइंट है अंतर्दीप अंतरदीप इसको बताया गया इसको गोकुल माना गया और चारों ओर ये पद्म फूल का कोर पॉइंट मिडल है वृंदावन में या वृंदावन वृंदावन में अगर वृंदावन में भी आप जाओ वृंदावन में देखोगे गांव को ऊपर गांव का जो नंद बाबा का मंदिर है इसका आजू बाजू में रूप है रूप टॉप कभी कभी गया कि गया नहीं आप हमको मालूम नहीं मेरा कहने का मतलब है नंद गांव में बाबा का जो मंदिर है इसका आजू बाजू में जो रूप टॉप है इफ यू गो इफ यू कैन गो टू द रूप टॉप देखोगे ये नंद बाबा का मंदिर को सेंटर पॉइंट करके तमाम ये जो चौरासी गोज एक सर्कल जैसा है मैंने मैंने प्रमाण करके देखा चौरासी गोज लगाते रहते थे मेरा अभ्यास और बीच में ना चारों ओर इतना सुंदर व्यवस्था और इधर भी आपका ये जो अंतरदीप है अब अंतरदीप कैसे नाम पड़ा सिलो जीवगो से बात जी को नित्यानंद प्रभु परिक्रमा करारह कराया ईशान ठाकुर जी ने नरोत्तमढा को श्रीनिवासा जो रामचंद्र गोविरा तीनों को कराया परिक्रमा एक साथ वहाँ राघव राघव पंडित बोल के एक है गोवर्धन गुफा में रहते हैं इनके अनुगत्य में श्रीनिवासा जो परिक्रमा किया को सारे किया वो परिक्रमा लगाते रहते हैं हर वक़्त जो भी है मैं भक्ति ठाकुर का जो भाव का हृदय का भाव का तरंग का विशेष है ये मैं बोलना चाहूँ कि बद्ध जीवों के लिए धाम दर्शन संभव नहीं है जो पहले भी मैं चर्चा कर चुका ज्ञान जो कर्म योग आदि के द्वारा धाम का दर्शन संभव नहीं है प्रेमजन छुरीतभक्तिलोचन सत सदृदेशक्ष क्या सुंदरमचित गुणस्वरूप गोविंदमापुरश् तमाम भजामि एकमात्र ट्रिमेंडस अकिंचन भक्ति के द्वारा भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान का स्वरूप प्रकाशित होते हैं कुंती देवी का कहना है कुंती देवी ने कह दी आपका धाम आपका नाम आपका परिकर वैशिष्ट आपका विशेष कुछ है ये देखना असंभव है यह संभव नहीं है एकमात्र जन्म ईषज सुतो सी भी रेध मान मद नहीं व अर्दातुम्बे तमकिन तमकिंचन गोचरम कुंती देवी ने कह दी जे जन्म ईश्वर्यो श्रोतोषी के द्वारा एकदम फूल गया जन्म ईश्वर्यो श्रोतोषी चारों हो सकता और एक है इसके द्वारा इतना अभिमान पैदा होता है कि आपको भजन करने नहीं देंगे भजन करने नहीं देंगे कुंती देवी कह रही हैं जन्म ईश्ज सुध मान मद अपमान नैव अभिधा तुम्हें तम तमकिंचन गोचरम भगवान आप किसी का सामने पर्दा नहीं हटाते हो आप किसी का सामने अपना पर्दा नहीं हटाते हो सिर्फ अकिंचन अभक्ति जिसका है जिसका प्रेम नेत्र हो गया जिसका प्रेम नेत्रो उन्मोचन हो गया वो छोड़ के बाकी दुनिया का कोई भी व्यक्ति जितना भी हिम्मतदार हो जितना भी पैसा वाला हो जितना भी इज्जतदार हो जितना भी एडुकेशन है स्टैटर्ड पोजीशन कुछ भी हो हो नहीं सकेगा संभव नहीं इसीलिए भक्ति ठाकुर भी ये कह रहे हैं कि धाम का ऊपर एक नेटवर्क है और इनके एक इन जाल का ऊपर नेट का ऊपर तमाम होटल आदि जड़ जगत का व्यक्ति सब ये सब धाम का साथ इसका कोई है नहीं ये दिखावा है धाम बास का कितना विचार है गुरु जी दिखाए हमारा बोलने का समय नहीं है धाम में व्यवसाय करना माना है धाम ने कोई भी अपराध करना माना है बहुत सारे माना है रेस्ट्रिक्शन है मायापुर को ब्रह्मपुर बोल के कहती है श्रुति में लिखा हुआ है लेकिन माया तो आँखों के द्वारा ये सब चर्चा मैं कह चुका आप ही का ही आदेश लेके ये जो नवाद्दीप भापतरंग जो अभी हम भक्तिम ठाकुर का आग, इसका सारे विचार मैंने पहले, पहले पहले बता दिया याद है ना, जे कैसे आँखों का ऊपर एक पर्दा रहता है और धाम का दर्शन हो नहीं पाते जब भी धाम में गया फिर धाम दर्शन होता हमारा नरोत्तम ठाकुर ने नरोत्तम ठाकुर जी ने इतना दैन्य है इतना दैन्य है कि क्या कहूँ इन्होंने विचार बताया कीर्तन में बड़ा रोते रोते आहा, क्या भाव है आर कबे निताई चांदेर कोरुना हो संसार वासना मोर कबे तुच्छ हो विषय छाड़िया कभी शुद्ध हो मन कभी हम हेरबो श्री वृंदावन कभी कीर्तन करते हो ये सब कीर्तन नहीं करते हो विषय छाड़िया कभी शुद्ध हो मन मतलब नर्तमंड कह रहे हैं इफ देर इज कंटेमिनेशन ऑफ दर्शन, टिल देन उस समय तक धाम दर्शन संभव नहीं है ये ब्रह्मपुर है ब्रह्मपुर बोली सुतिगौन जरे गाय माया मुक्त तो चोखे आहा मायापुर भाई ब्रह्मपुर जो सूति में बोला हुआ है वही मायापुर है और माया मुक्त तो आंखें दर्शन में एकदम क्लैरिटी दर्शन में इतना क्लैरिटी आ गया कि क्या बताऊं दर्शन में इतना क्लैरिटी है कि क्या बताऊं मतलब कहने का मतलब है एज इट इज दर्शन व्हाट इज व्हाट इसमें कोई मिलावटी मार कल प्रोपात जी का विचार बताएंगे प्रभुपात कैसे व्याख्या करके बताया दर्शन का परिस्फुटन धीरे धीरे एकदम पक्का दर्शन कब हो सके इसका बारे में काल हम चर्चा करेंगे शुरुआत में दर्शन का क्लैरिटी नहीं होने से क्लैरिटी नहीं होने से मतलब कंटेमिनेशन रहने से पक्का धाम दर्शन होना संभव नहीं है भक्तिमो ठाकुर जी ने लिखा है सी अंतरदीप मायापुर इट इज गोकुल धाम महावन गोकुल धाम महावन है जैसे वृंदावन नकुल वृंदावन में जैसे गोकुल धाम महावन ये रिजाम्बल एक ही थिंग है यहाँ जो अंतर्द्वीप है अंतर्द्वीप मायापुर जो है ब्रह्मपुर जिसको बोले ये नित्य लीला वहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला वहाँ भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं यहाँ भगवान गौरचंद्र लीला कर रहे हैं एक ही है चल रहा है ए लीला चल रहा है इटरनली पियो से ही लीला करे गौ राय कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए हर आदमी का बस का काम नहीं है देख नहीं सके अब मैं जल्दीबाजी में हूं क्या करूं इसलिए ये जो मायापुर है इसको इसको आत्मनिवेदन क्षेत्र क्यों बोला गया क्या कारण है भक्ति में ठाकुर जी ने इसका विचार बताए जब वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण का प्रकुट विहार चल रहा था उसी समय ब्रह्मा जी ने अपराध कर डाला ब्रह्मा जी ने बछड़ा को चुराए गोपो को चुरा के छुपा दिया अब उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने आप को जितना गाय बछड़ा है जितना डेकोरेशन है क्लोथ आदि जितना स्वभाव है जितना बाल है जितना बोल है सब सब अपने आप से निकाला और चले अपना घर को चले कोई समझ नहीं पाए यहां तक कि बल्लाजी महाराज भी कम से कम एक साल तक समझ नहीं पाए। क्या रहस्य है क्यों इतना प्यार कर रहे है बच्चा लोगों को जबकि जबकि इसका हालफिल इसका बच्चा है लेकिन फिर भी ये बच्चा सोकर आगे का बच्चा को क्यों प्यार कर रहे हैं बल्ला जी महाराज के अंदर में ये प्रश्न उठा कई ऐ तो मेरे को तो कोई माया पकड़ नहीं पाता बल्लाव कह रहे हैं मेरे को तो जिंदगी में कोई मा, माया कैसे पकड़ेगा आ हो सके तो कृष्ण अगर कोई चला के किया होगा हो सके मी सी अगर देखे आंखें मुद के बल्लाव जी महाराज देखे तो हैरान की बात है आंखें जब आंखें मुतकर दर्शन की तो देखे महाराज हैरान की बात है सारे कृष्ण हैं बल्ला जी महाराज कहे जब भी मैं बोल रहा हूँ अरे किसी का माया मेरे को स्पर्श नहीं करता एक कृष्ण मजा कर रहा है मेरे को भूखा बनाया हाय राम ये तो सब कृष्ण है ब्रह्मा जी ने मैं काट शॉट कर रहा हूं ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा ये सब बहुत कहानी हैं ये ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जाने का बाद ब्रह्मा जी ने इच्छा करके गौर अवतार को मनाने के लिए गौरंग अवतार को मनाने के लिए इच्छा करके क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम है यही कृष्ण है यही कृष्ण है एक गौर है इसीलिए चलो मैं चालाकी कर दिया थोड़ा हरकतें कर दी क्या करें अब क्षमा तो ठाकुर जी किया है अब क्षमा तो ठाकुर जी किया है लेकिन कोई संपत्ति नहीं दे रहा है तो ठीक है चलो मैं नवद्वीप धाम में जाए ब्रह्मा जी ने नवद्वीप धाम में आकर बड़ा कट्टोर तपस्या शुरू की इतना सुंदर तपस्या शुरू की इतना तपस्या कर दी कि भगवान ने रिझ गए प्रसन्न हो गए भगवान ने प्रसन्न हो गए आ भगवान प्रकट हो गए सामने और ब्रह्मा जी ने बहुत रोया प्रभु आपका पूर्व अवतार में इतना अपराध किया आपने मानजन किया तो आप जानो लेकिन आपका जो औदार जो मैं लीला है गौर लीला ये विशेष करके मेरा ऊपर कृपा दर्शन करे क्यों ये गौर अवतार में बहुत जल्दी जहां जारे तारे जाय प्रेम धौन ये कीर्तन का बात है जहां जारे तारे दय प्रेम धौन ऐसा प्रेम धौन विस्तरण करता है अनमोल संपत्ति केशो केशव शेषाद अगम्या केशव शेषाद अगम्या ब्रह्मा शंकर का रेयर है रेयर दर्शन रेयर है मिलना ऐसा सोचो ब्रह्मा जी ने रोया चरण में गिर गिराया भगवान ने कृपा चलो ठीक है आप भी हिस्सा ले लो प्रभु मेरे को कृपा करो आपका गौर लीला में मैं आके नाम करूं आपका ठीक है हरिदास ठाकुर का नाम पे आ गया ब्रह्मा जी और ऋचक मुनि का एक एक है एक एक आदमी है और एक है ये जो ब्रह्मा जी ने आत्मनिवेदन किया भगवान के चरण में कि ठाकुर जी बस करो बहुत हो चुका मैंने और अपना तरफ से कोई अभिमान रखने वाला नहीं हूं छोड़ दूंगा आत्मनिवेदन कर दिया आपका चरण में अगर मेरे को ग्रहण करना है तो करो ठाकुर जी बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं आप आओगे हरिदास ठाकुर रूप में आया तीन लाख नाम करके नामाचार्य जो उपाधि प्राप्त हुआ जिनको गोरंग मापो गोदी में लेकर नृत्य किया कीर्तन किया समाधि दिया कहने का बात ही नहीं इसीलिए आत्मनिवेदन क्षेत्रों अंतरदीप वेरी इंपॉर्टेंट और आत्मनिवेदन के बिना भजन शुरुआत नहीं होते इसीलिए आत्मनिवेदन क्षेत्रों का मैंने बहुत संक्षेप वर्णन करने का प्रयास प्रचेष्टा की है ये अंतर्द्वीप का अंदर में जोगोपीठ मंदिर बोल के एक मंदिर है ये जोगोपीठ मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है जैसे वृंदावन में जोगोपीठ मंदिर है आपको ध्यान आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पहला बात तो ये जोगोपीठ क्यों बोला गया क्या काम है ऐसा मंदिर बोल देते क्या बात है क्या विशेष है कहने का मतलब है जोगोपीठ मंदिर एक विशेष नाम है वाई पहले वृंदावन धाम में भगवान का रोजाना भगवान का जो रोजाना लीला चलता है दैनंदिन लीला इस लीला में भगवान राधा रानी आदि शैली सोखी बीच बीच में एक एक पॉइंट में एक एक जगह जाके इकट्ठा होते हैं और उसी जगह ललिता विशाखा आदि उनको आरती उतारते हैं तो उस समय सारे भक्त तो इकट्ठा होते हैं और इतना सुंदर वातावरण पैदा होता है कि क्या बताऊं जोगोपित ये पूरा दिन में दो और तीन बार होता है एक एक जगह और ये जोगोपीठ का मतलब है तमाम सुखी सहेली एकत्रित होकर बड़ा ढंग से बड़ा ढंग से भगवान का पूजन आरती भोगराग ये जो होते रहता है इसका नाम है जोगोपीठ सेम थिंग विद गौरली जैसे राधा गोविंद लीला में जो हमने कॉन्सेप्ट हमने बताया है एक ही राधा गोविंद लीला में जो है गौरलीला में भी विश्वनाथ बाद अष्टकालीन लीला रचना की अष्टकालीन लीला वृंदावन अष्टकालीन लीला विश्वनाथ चकौदीवाद जी ने लिखा है लिखने का बाद विश्वनाथ चकुर्तिवाद लिखने का बाद एक उपदेश दे दिया एक उपदेश दे दिया कि ये जो क्या उपदेश दिया भले ये गौर लीला और कृष्ण लीला जो लोग महात्मा लोग हैं जो महात्मा लोग इसी स्टेज पर पहुंच चुका है जो सब महात्मा लोग इसी स्टेज पर पहुंच चुका है उस भक्तों का बारे में बताया उस भक्तों उन सब भक्तों लोगों के लिए बताया जे गौर लीला, अष्टकालीन लीला अगर तुम चर्चा नहीं करोगे नहीं करोगी तो आपका मुसीबत आ सकता है जिंदगी में इसीलिए मैक्सिमम कुछ कर रहे हैं तो कृष्ण ने साइड बाय साइड इस समय गौरांग कहाँ है जोगपीठ में अच्छा जोगपीठ में क्या कर रहा है ये जोगपीठ में और शिवा संगन में रात को का कहाँ सोया है राधा गोविंदो कहाँ सोया ये स्वप्नो बिलासा मृतो स्वप्नो बिलासाम बोल के एक किताब विश्वनाथ चकुदी में लिखा है इसमें इतना सुंदर व्याख्या किया है वो स्टैंडर्ड बुक है ऑर्डिनरी आदमी के लिए नहीं है सपने में आया गौरांग कैसे सेवा कर रहा है राधा गोविंद का लीला चल रहा है इस तरफ गौरांगों का सुंदर व्यवस्था तो ये जो बात हमने बताया हमारा ये जो नवद हमारा मायापुर में जो जोगोपीठ है ये जोगोपीठ में भी दिन में दो चार बार ऐसा मुहूर्त आता है अष्टकालीन लीला में जब गौरा पंचोतत्व इकट्ठा तो होता है और है ना पंचतत्व तो तो इकट्ठा होता है बाकी सारे तमाम भक्त लोग क्या इकट्ठा हो के गौरा का सेवा का जो व्यवस्था है इसमें हिस्सा लेते हैं एक साथ अभी भोग राग हुआ अभी आरती हुआ गौरंग पंचतत्व तो तो रूप में विराजमान है भक्त लोग चारों ओर है भक्त भिंग भक्त भिंगो चारों ओर विराजमान है देखने में क्या अनोखा इकट्ठा होता है इसका नाम है जोगोपीठ हमारा वृंदावन में गुप्त जोगोपीठ है ये जोगोपीठ का आराधन साधारण आदमी नहीं कर सकता जो महात्मा लोग पहुंचा हुआ है तत्व का बारे में अभिज्ञ है वो लोग रात को आराई तीन बजे बैठकर ये जप ध्यान करते हैं जोगोपीठ का अब आप लोगों का अंदर में कोई चाहत है तो करोगे और नहीं तो नहीं करोगे क्या कर सकता अब तो हालात ऐसा हो गया तो ये जो ये जो भक्तिम कह रहे हैं ये जो मिस्रो जगन्नाथ मिस्रो का भवन है आई बात समझ में ये जो जगन्नाथ मिस्रो का भवन है स्वच्छी स्वच्छी माता का भवन है ये भवन बाहरी दृष्टि में देखने से हमारा आंखों के द्वारा कुछ नहीं दिखा पड़े इतना सा छोटा क्या है लेकिन हमारा पास पिक्चर है ये जो नित्य जोगपीठ मंदिर का पिक्चर हैरान हो जाओगे गोरंग मापू का रहने का इंतजाम गोरंग मापू कहाँ आविर्भाव हुआ प्रिया देवी कौन सी कमरा में रहता है गोरंग मापू का बैठक खाना कहाँ है कहाँ दोस्त लोग आने से बैठा बैठा लेता है कहाँ रई घर है सारे और जोगपीठ में एक एक दिन में तमाम भक्त लोग इकट्ठा होते हैं और आरती उतारते हैं सेवा चलते हैं इसीलिए इसका नाम पड़ गया जोगपीठ चलो मैं जाम कर रहा हूँ क्षमा करना ये सोची माता का भवन दिव्य चक्षु के द्वारा अगर देखोगे जगन्नाथ मिश्र का भवन भक्ति में कह रहे हैं वन स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग यू कैन सी बिल्डिंग नहीं राजप्रसाद कितना सुंदर आह लेकिन ये आंखों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता है भक्त में ठाकुर अपना भाव के द्वारा तरंगायित अपना भाव के द्वारा तरंगायित होकर कह रहे हैं कि देखो ये जो वृंदावन धाम है या गोप गोपी गोविंदो रहता है और यहाँ जो नवद्वीप धाम है इसमें ब्राह्मण वैष्णव रहते हैं ये विशेष है वृंदावन धाम में सब गो बछड़ा तो नवद्विप्य में है गोद्रुम सब हम विचार करेंगे ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि ये जो वृंदावन धाम में जो आप देखोगे वृंदावन धाम में आप जो देखोगे ना ये वृंदावन धाम में एक आश्चर्य चीज़ है इसमें सारे गोप बालक मतलब जो ग्वारिया है घोष सब रहते हैं वहाँ जो है ग्वारिया सब रहते हैं गाय बछड़ा और जो गो गौपालक गो, जो लोग हैं वो सब रहते हैं लेकिन नवद्वीप धाम का भक्ति में अगर विशेष बताएं चारों ओर देखो तो देखोगे ब्राह्मण वैष्णव का विशेष पास है एक विशेष है वहाँ सारे पालन करने वाले और यहाँ ज़्यादातर ब्राह्मण वैष्णव ये विशेष है जोगोविद मंदिर का थोड़ा बहुत आगे चल के शिवास पंडित का आंगन है जोगविद मंदिर में विष्णुप्रिया लक्ष्मीप्रिया देवी सहित एक विग्रह है अनोखा विग्रह है पंचतत्वात्मक गौरहरी है राधा माधव जी है जगन्नाथ जी है ये सब विग्रह है और निशिंग मंदिर है जोगविद मंदिर में लक्ष्मी निशिंगो भगवती माया का समाधि है क्षेत्रपाल शिव जी हैं गौर गदाधर विग्रह है तमाम दुनिया भर का है ये चल रहा है ये सब का बारे में हमने थोड़ा चर्चा करने का एक व्यवस्था ले लिया और शिवा संगन में वहाँ भी विग्रह है तो एक बैठा हुआ है यहाँ इसमें पिक्चर है जब गौरंग महापुर शिवा संगन में अपना सिंहासन पर बैठ के बोले अरे किसका पूजा कर रहा है मेरा पूजा कर मैं आया हूँ हलो ऐसा करके औष्ट ओस्ट, औष्टपोहर लीला प्रकाश किए सबसे मांगा क्या क्या है लिया क्या 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 देना है ले आ मैं या सब ग्रहण करूं आप मैं सबसोई से कुछ ग्रहण करके रहूँगा क्या दूध है क्या चीज़ है क्या मक्खन है क्या है लिया मिठाई ले 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 ले, है ले लिया लिया ले लिया फल फूल है ले आ लिया ये है शिवा संगन में हुआ इसका बाद अद्वैत भवन अद्वैत तो प्रभु का एक घर है शांतिपुर में शांतिपुर में रहते हैं और एक घर है यहाँ यहाँ शिवा संगन का सामने अद्वैत भवन चारों ओर गुरु ब, गुरु वैष्णव मतलब ब्राह्मण वैष्णव का वास है ये कहने का लायक नहीं है असंख्य ब्राह्मण रहता है और भक्ति में ठाकुर जी ने विचार बताया ठाकुर जी का संदिनी शक्ति का प्रकाश है कब क्या कैसे क्यों इसका उल्टा पलटा हो जाए बाहरी दृष्टि में गंगा जी अचानक चलती हुई चलती हुई चलती हुई आ रही थी और घूम गया ऐसा ऐसा करके ए नवद्वीप का चारों ओर नदी 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 ओर एक तरफ गंगा पूर्व तरफ गंगा पश्चिम तरफ जमुना है और जो मायापुर है इसका पूर्व दिशा में देखो आगे आगे चल के बामन फुकुर और बहुत सारे चीज़ मिलेगा हम चर्चा करेंगे बहुत सारे चीज़ कल इसका बारे में रैपिड डिस्कशन जरूरी है क्योंकि समय चले जा रहा है ये जोगोपीठ मंदिर से निकालते हुए आप दर्शन करते करते चलते चलो आप, आप वहाँ पोपात के द्वारा प्रतिष्ठित पोपात के द्वारा प्रतिष्ठित आपको मिलेगा चैतन्य मठ चैतन्य मठ में प्रोपा जी के समाधि आदि बहुत सारे गौर किशोर बाबा जी समाधि राधा कुंड साहब को बहुत सारा राधा गोविंद गौर यह सब है चलो कोई बात नहीं और शिवा संगन से इधर गया दर्शन करने के लिए कोई कोई आदमी ऐसा करता है कोई कोई आदमी ऐसा करता है ये ठीक है कि जोगपीठ मंदिर से निकालकर जोगपीठ का तमाम दर्शन करने का बाद सीधा चले जाए भरदराज टीला क्यों ये जोगपीठ का मंदिर से निकाले हैं ना निकालने का बाजू दिखेगा पूरा दिखेगा इससे चलता है परिक्रमा का नियम है इसको भारुई डांगा बोलता है भरदराज महाराज जी ऋषि भजन की और गौरंगों का दर्शन की है इसका नाम है भरदराज टीला ये टीले पे बैठकर भजन कर रहा था भजन करके कर सिद्धि प्राप्त हुई मतलब गौरांग को दर्शन दी और बारोकोना घाट जो है ये नज़दीक है आइए बारोकोना घाट का विशेष ये है गोरंग मापू साँझ ढलने से इधर आके गंगा का आरती करके बैठते थे और शास्त्रों का चर्चा करते थे इसका नाम है बारोकोना घाट और ये बारोकोना घाट का विशेष ये है कि केशव काश्मीरी जो दिग्विजयी पंडित जिन्होंने पराजित हुआ था ये गोरंग मापू के इसी घाट में आई बात समझ में इसका नाम है बारोकुना घाट ये बारोकुना घाट जो आपने बताया ये बारोकुना घाट इधर बैठ के केशव सब काश्मीरी को पराजित किए और ये बारोकुना घाट का सामने मादाई घाट है और मादाई घाट में भी विशेष लीला ये है माधाई ने महाप्रभु से सेवा मांग ली कि प्रभु हम कैसे सोचे कि आप क्षमा कर दिया सेवा प्राप्ति हुआ तो हम सोच सकते हैं तो आप थोड़ा सेवा दे दो तो बोले ये जो घाट है ये घाट को साफा करते रहना क्योंकि यहाँ तमाम लोग नाते आते हैं सब लोग का चरण में गिरना जो पहले हमने कर दिया अज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर इसको क्षमा करें मैं अज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर जितना सारे हरकते की अपराध की मेरे को क्षमा कर दे ऐसा करके ऐसा करके आगे बढ़े तो ये जो गोरंग महाप्रभु बारोकोना घाट में कैसव कस्बे में परिचित और ये जो मादाई घाट गाड, मादाई घाट जो है ये माधाई सेवा मांग लिया ठाकुर जी से बोला जितना सारे ठाकुर जी बता जितना सारे आएगा ना भक्तों लोग इनका दंडवत करना और क्षमा मांगला जो किया सो किया पहले तो अज्ञान था अब आप क्षमा कर दो और घाट को साफा करना डाप साफा करने से भक्तों लोग आएगा नहाएगा तुम्हारा मंगल हो जाएगा इसका नाम आए घाट भारूई डांगा भरदराज हमने बताए, फिर उसका बाद हमने बताया बारोकूणा घाट उसका बाद बताया क्या बताया बारकूणा घाट का बात मादार घाट बताया ध्यान इस बात पर उधर लिखा हुआ है जो गंगा गंगा का धारा इसी तरफ चल रहा था चल रही थी गंगा का धारा इसी तरफ चल रही थी इसीलिए उस तरफ महाप्रभु नाते थे जोगोबीट से निकलकर गंगा का घाट में जाए अब अभी जो नक्शा है अभी जो चार्ट है ना ये नक्शा पूरा बदल गया अभी आपको पता नहीं चलेगा ये जो आप हम बाद में आएंगे चर्चा करेंगे आपका अगर आनंद आपका अगर आनंद लगता है आनंद लगता होगा और नहीं लगता होगा तुम करेंगे नहीं <laughs> मेरा आनंदमय चर्चा है मेरा कोई दुखी हो के मैं नहीं करता हूँ तो कहने का मतलब है ये जो आपका पोड़ा माताला है शिव है सब इस तरफ था अब उ, उस तरफ चला गया कैसे कैसे हुआ इसका बारे में चर्चा करेंगे पोपात का समय में बामुनपुर पुगुर का उधर गंगा ज़्यादा दूर नहीं आगे चलोगे तो देख पड़ेगा गंगा का जो कैविटी कैविटी है आगे दिखाई पड़ेगा मोहनपुर का आगे पापा सन्ना के का टाइम पे गौर पूर्णिमा का दिन नहाने के लिए उधर जा उधर गया था और लिखा हुआ हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए हमारा चर्चा का विश्राम देना जरूरी है क्योंकि आपने आदेश किया जल्दी विश्राम देना ठीक है चलो कोई बात नहीं अंतोद्वीप का मोटा मोटी हमने चर्चा की आगे चल के कैसे आप काजी का समाधि इसका विशेष किया है फिर सिमंत द्वीप हम जाएंगे जो आपको आपको आपका जो स्मरणाख्या भक्ति ऐसा बारे में हम चर्चा करेंगे काल आज ज़्यादा नहीं समय लेते हुए हमारा चर्चा का यहाँ विश्राम देने का विचार बना रहे जेवा महिषेकित तो सौदाता जनसु देहांत गेहेश जयात्मजरासु न प्रीतुक्ता जबदोक वाचकल्पतुष के पास पतितान पावन वैष्णवभ्यो नमो